दोस्तों खबर बहुत बड़ी है, मगर हर बार की तरह गोदी मीडिया ने उसे इसलिए दबा दिया क्योंकि अगर ये खबर वो बताता तो उसे अपनी बेशर्मी भी दिखानी पड़ती। 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर आप देख रहे हैं, उन लोगों के साथ जिन्हें पद्म सम्मान दिया गया। राहुल गांधी ने क्या कहा? हिंदू और हिंदुत्व दो अलग चीजें हैं। ये हिंदुइज्म में हिंदुत्व में पीएचडी कर चुके हैं। अरे कुछ नहीं मालूम है, बधाई 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 आपको, बधाई। ये है देखो फर्जी राम भक्त बैठे, देख लो। हर हफ्ते की तरह बात इस हफ्ते भी गोदी मीडिया के कुछ मजेदार वीडियोस की करते हैं। इस हफ्ते 8 नवंबर नोटबंदी, 5 साल हो गए तो जनता ने मोदी के बयान के साथ साथ मीडिया की कुछ पुरानी वीडियोस को याद किया, जिसमें सुधीर चौधरी ने नोट में चिप की बात कही थी। आप प्रधानमंत्री का वो भाषण भी एक बार सुन लीजिए। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। इस हफ्ते पद्मश्री अवार्ड्स भी दिए गए। इस बार के अवार्ड जमीन पर काम करने वाले सोशल वर्कर्स को मिला, जिस वजह से इस बार का अवार्ड मीडिया की सुर्खियों में बना रहा। मीडिया में इसे इस तरह चलाया गया कि देश में ऐसा पहली बार हुआ है कि आम लोगों को यह अवार्ड दिया गया हो। मिट्टी के लाल को सलाम। पद्म पुरस्कारों का ऐलान हुआ, कल पद्म पुरस्कार दिए गए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर आप देख रहे हैं, उन लोगों के साथ जिन्हें पद्म सम्मान दिया गया। ये देखिए प्रधानमंत्री उन लोगों से किस तरह से मिल रहे हैं जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया। ये तस्वीरें ये बताती हैं कि किस तरह आम लोग, वो लोग जो जमीन से जुड़े हैं, जो राष्ट्र निर्माण में लगे हुए हैं, जो इस देश के बारे में सोचते हैं, उन्हें पद्म सम्मान दिया गया। क्योंकि हमने ये देखा है कि जब भी किसी आम आदमी के बारे में कोई खबर आती है तो मीडिया सबसे पहले तो उसे दिखाता नहीं है, और लोग भी सिर्फ सेलिब्रिटीज के बारे में जानना चाहते हैं, फिल्म स्टार्स के बारे में जानना चाहते हैं, क्रिकेटर्स के बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन कोई साधारण व्यक्ति अगर बहुत अच्छा काम कर रहा हो तो उसके बारे में शायद नहीं जानना चाहते हैं। आज इसी परंपरा को तोड़ते हुए हम आपको देश के उन नायक और नायिकाओं से मिलवाना चाहते हैं जो देखने में तो बिल्कुल साधारण है लेकिन उनकी सोच असाधारण है। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने देश के ऐसे तमाम लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया है जिन्होंने समाज के लिए योगदान दिया है। मीडिया की डिबेट अक्सर हिंदू मुस्लिम जैसे मुद्दों पर होती है, अगर नहीं तो डिबेट में हिंदू मुस्लिम एंगल आ ही जाता है। न्यूज 18 की एक डिबेट में अनुराग भदौरिया ने गौरव भाटिया से गीता के अध्याय के बारे में पूछा, तो आप खुद सुनिए उनका जवाब। कि भगवान की बात हो रही है, ये सिर्फ इतना बता दें बीजेपी के प्रवक्ता कि गीता में कितने अध्याय हैं। चलिए मैं मान जाऊंगा ये भगवान भक्त हैं। कितने अध्याय हैं गीता में, कुल कितने अध्याय हैं जरा बता दें। नहीं, पहले सवाल का जवाब देंगे। नहीं हाँ, कितने अध्याय हैं? आप लोग खेल लीजिए आपस में। टोटल अध्याय कितने हैं गीता में, इतना जवाब दे दे। टोटल अध्याय कितने हैं? और एक श्लोक सुना दे, यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, सुना दे। बच्चा बच्चा गाता है उत्तर प्रदेश का, ये सुना दे। यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अमित्या नाम, उसके आगे बताएं धर्म से हम पूछना चाहते हैं आपसे, सुनाइए। चलिए चैलेंज करता हूँ फर्जी भक्त आपको दिखाई। खुद ही भूल गए पूछते पूछते। अरे मुझे तो याद है क्योंकि वो सुन लेंगे ना, मैं तो पूरा सुना ही दूंगा। ये जिन्ना वाले हमसे प्रश्न पूछेंगे, गीता में कितने अध्याय हैं? नहीं नहीं, क्यों क्यों कौन होते हो बेटा तुम? अरे कुछ नहीं मालूम है, बधाई 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 आपको, बधाई। ये है देखो फर्जी राम भक्त बैठे, देख लो पूरा उत्तर प्रदेश देख लो, जिनको गीता के बारे में नहीं मालूम है, गीता में कितने अध्याय नहीं मालूम है, गूगल करो। इस हफ्ते कंगना रनौत, करण जौहर, एकता कपूर को भी पद्मश्री अवार्ड मिला। इसके बाद कंगना का टाइम्स नाउ पर इंटरव्यू हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि भारत को आजादी 2014 के बाद मिली। आप खुद सुनिए उनका बयान। ब्लड विल फ्लो बट इट शुड नॉट बी हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी ब्लड, दे न्यू इट एंड दे पेड अ प्राइस। ऑफ कोर्स वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। इसीलिए सब आपको कहते हैं कि आप भगवा हैं। वरिष्ठ पत्रकार अभिसार शर्मा ने रिया चक्रवर्ती को लेकर आई न्यूज को लेकर अपनी वीडियो के जरिए मीडिया को आईना दिखाया। दोस्तों खबर बहुत बड़ी है, मगर हर बार की तरह गोदी मीडिया ने उसे इसलिए दबा दिया क्योंकि अगर ये खबर वो बताता
तो उसे अपनी बेशर्मी भी दिखानी पड़ती। खबर क्या है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, अदालत ने रिया चक्रवर्ती के बैंक खातों को अनफ्रीज करने की इजाजत दी। इसका अर्थ क्या हुआ? एनडीटीवी की इस खबर के मुताबिक एनडीपीएस की विशेष अदालत ने जांच के दौरान जब्त किया गया रिया का लैपटॉप, मोबाइल फोन और अन्य गैजेट उन्हें वापस करने का भी आदेश दिया है। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, रिया चक्रवर्ती ने यह अर्जी दी थी कि मेरे लैपटॉप, फोन और तमाम गैजेट्स हैं उन्हें वापस किया जाए, और अब अदालत ने यह आदेश जारी किया है जिसके अंतर्गत उन्हें यह सब वापस करना होगा। आज मेरा सीधा सवाल है दोस्तों, गोदी मीडिया ने जिस तरह से रिया चक्रवर्ती का चरित्र हनन किया, जिस तरह से उसकी और उसके परिवार की जिंदगी लगभग बर्बाद कर दी, क्या गोदी मीडिया रिया चक्रवर्ती से माफी मांगेगा? इनकी घुसपैठ, महंगाई पर मीडिया का ध्यान कम ही जाता है, तो देखते हैं कि क्या इस हफ्ते मीडिया का ध्यान इन जरूरी मुद्दों पर गया या नहीं। अंग्रेजी की एक कहावत है, यू कैन लव मी और हेट मी बट यू कांट इग्नोर मी, यानी आप मुझे पसंद कर सकते हैं या आप मुझसे नफरत कर सकते हैं, लेकिन आप मुझे इग्नोर यानी नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। सियासत में कुछ ऐसा ही हाल हिंदुत्व का हो गया है। राहुल गांधी ने क्या कहा? हिंदू और हिंदुत्व दो अलग चीजें हैं, ये हिंदुइज्म में हिंदुत्व में पीएचडी कर चुके हैं। कोट के ऊपर जनेऊ पहनने वाले, मैं कहता हूं इससे फर्क क्या पड़ता है या इसकी जरूरत क्या थी? सलमान खुर्शीद, मुझे लगा चलिए रेलेवेंस की फाइट है, इतने बड़े नेता थे, आज की तारीख में कोई पूछ नहीं रहा है रेलेवेंस, मैं सच बता रहा हूं आपको, ऐसा लगा कि वो दोबारा न्यूज में आना चाहते हैं। हल्ला बोल में आज हम बात करेंगे पद्मश्री से सम्मानित फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत की और उनके एक बयान की। 1947 में मिली स्वतंत्रता भीख में मिली, ये उनका बयान, इसके बाद वो विवादों में घिर गई हैं। हफ्ते की वीडियो के जरिए हम मीडिया के कुछ मजेदार क्लिप्स को आपको दिखाते हैं, क्योंकि मीडिया खबर कम दिखा रहा है आजकल और एंटरटेनमेंट ज्यादा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।